Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School, and today I will read chapter number 11 on New Home, where I left yesterday. I will start from there. One day, एक दिन देखिए father Toddy saw that the water was drying up in the pond. एक दिन देखिए पापा Toddy ने देखा, क्या देखा कि पानी जो है वो क्या हो रहा था, तालाब में सूख रहा था. Summer had come, क्योंकि गर्मी आ चुकी थी, and it was very hot, और बहुत ज्यादा गर्मी थी. Every day, देखिए प्रतिदिन there was less water in the pond. हर दिन जो है पानी जो है उस तालाब में कम होता जा रहा था. Soon जल्द ही देखिए the tadpoles did not have enough water to swim in. जो tadpoles था उसमें इतना ज्यादा पानी नहीं था, उसमें पर्याप्त इतना पानी नहीं था कि उसमें अच्छे से क्या कर सको, स्विम कर सको. तो father Toddy knew he had to do something quickly or the tadpoles would die. पापा जो Toddy थे वो जानते थे कि उन्हें कुछ जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना tadpoles जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. tadpoles यानी कि जो उनके बच्चे थे वो, ठीक है. That pond had a lake beside it, और जो है वह जो तालाब है उस झील के पास में ही है. The lake was bigger and had more water, और जो झील जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है उस तालाब से, और क्या है उसमें बहुत ज्यादा पानी है. सो फादर Toddy स्टार्टेड डिगिंग थ्रू द वॉल ऑफ सैंड. इसलिए देखिए पापा जो Toddy थे उन्होंने शुरुआत कर दिया खोदना, क्या कहते हैं उस दीवार से, यानी कि जो सैंड यानी कि जो जमीन थी उसको खोदना उन्होंने शुरू कर दिया. ही वर्कड वेरी हार्ड, और उन्होंने काम बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया, बहुत जल्दी जल्दी किया. एंड डग विद हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स, और अपने पैरों से जो मजबूत पैर थे उनसे बहुत जल्दी खुदाई करना शुरू कर दिया. ही फाइनली मेड अ गैप इन द वॉल बिटवीन द लेक एंड द पॉन्ड, और उन्होंने देखिए अंत में जो है उन्हें एक गैप नजर आने लगा, एक छेद नजर आने लगा उस दीवार में, उस झील और तालाब के बीच में. नाउ द लेक एंड द पॉन्ड वर जॉइंड बाई अ होल इन द वॉल. अब देखिए जो झील है वो और तालाब जो है वो जुड़ गए थे उस छेद के द्वारा, उस जो दीवार में जो छेद था उससे जुड़ गए थे. बट द tadpoles डिड नॉट स्विम इन टू द लेक, लेकिन जो है tadpoles जो थे जो बच्चे थे वो जो है स्विम नहीं कर पा रहे थे, तैर नहीं पा रहे थे उस झील में. फादर Toddy न्यू, फादर Toddy जो थे वो जानते थे कि दे वुड हैव टू गो और दे वुड डाई, या तो उन्हें यहां से जाना पड़ेगा या फिर उन्हें मरना पड़ेगा.